नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 5 अगस्त। जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 62,031 पर। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 3 अगस्त को 2,464 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 62,031 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 37, अरवल में 27, औरंगाबाद में 32, बांका में 35, बेगूसराय में 75, भागलपुर में 59, भोजपुर में 63, बक्सर में 77, दरभंगा में 44, पूर्वी चंपारण में 65, गया में 63, गोपालगंज में 34, जमुई में 37, जहानाबाद में 32, कैमूर में 12, कटिहार में 120, खगड़िया में 58, किशनगंज में 30, लखीसराय में 23, मधेपुरा में 29, मधुबनी में 49, मुंगेर में 52, मुजफ्फरपुर में 197, नालंदा में 69, नवादा में 28, पटना में 393, पूर्णिया में 69, रोहतास में 75, सहरसा में 49, समस्तीपुर में 74, सारण में 97, शेखपुरा में 42, शिवहर में 11, सीतामढ़ी में 84, सिवान में 53, सुपौल में 64, वैशाली में 85, पश्चिम चंपारण में 21। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए ताजा 4 बजे तक के अपडेट के अनुसार अब तक कुल मिलाकर 40,760 मरीजों के ठीक होने की पुष्टि की गई। वहीं कोविड-19 की वजह से 349 लोगों की जान जा चुकी है। 15 अगस्त बिहार में कोविड-19 पर लगाम लगाने की हो रही है तैयारी। 15 अगस्त तक बिहार में कोविड-19 को नियंत्रित करने की तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की कार्य योजना के अनुरूप बिहार में काम किया जा रहा है। फिलहाल राज्य में अभी 36,000 से अधिक जांच एक दिन में करवाए जा रहे हैं। 15 अगस्त तक इसे बढ़ाकर 50,000 जांच प्रतिदिन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पेट्रोल पंप पर नौकरी करने वालों के बेटे ने IAS का क्लियर किया एग्जाम। बिहार के बेटे प्रदीप सिंह ने सिविल सर्विस 2019 की परीक्षा में 26वां स्थान प्राप्त किया है। प्रदीप सिंह मूल रूप से बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। प्रदीप ने 2018 में सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी सफलता प्राप्त की थी और उन्हें 93वें स्थान प्राप्त हुआ था। प्रदीप ने बताया है कि गोपालगंज में उनके पास छोटी सी जमीन थी और उसे पर्याप्त कमाई नहीं हो पाती थी। प्रदीप के पिता ने जमीन बेचकर उन्हें IAS की तैयारी करवाई थी, जिसके बाद प्रदीप ने जी तोड़ मेहनत की और परिणाम उसके पक्ष में आया। बिहार सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में CBI जांच के लिए भेजी अनुशंसा। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनके पिता के आने के बाद कई बातों का खुलासा हुआ है। वहीं लगातार आम नागरिकों की नाराजगी को देखते हुए बिहार सरकार भी अब सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलवाने की पहल में शामिल हो गई है। इसी क्रम में बिहार सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में CBI जांच की अनुशंसा केंद्र सरकार के पास भेज दी है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके दी है। आज अयोध्या में दशकों पुराना इंतजार होगा खत्म। आज अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम करवाया जाएगा। भूमि पूजन को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार भूमि पूजन को लेकर जगह जगह पर राम के जीवन से जुड़ी कलाकृतियों और पेंटिंग बनाई गई है। अयोध्या को इस तरह से सजाया गया है कि आज भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान इसकी भव्यता अलग से ही नजर आने वाली है। वहीं भूमि पूजन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 11:30 बजे के करीब अयोध्या पहुंच जाएंगे, जहां वो 2.5 से 3 घंटे तक अयोध्या में रहने वाले हैं। मुंबई पुलिस के रवैये से नाराज दिखे DGP गुप्तेश्वर पांडे। बिहार पुलिस की मदद नहीं करने पर DGP गुप्तेश्वर पांडे भी मुंबई पुलिस के खिलाफ खूब बयानबाजी कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सवाल ये उठता है कि आखिर मुंबई पुलिस को बचाने की कोशिश कर रही है, और मैं इसको लेकर DGP गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वही DIG रैंक के अधिकारियों को भेजने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात की आशंका सता रही है कि जो रवैया IPS अधिकारी के साथ हुआ है, वहीं DIG स्तर के अधिकारियों के साथ भी ना हो जाए। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से मांगा सुझाव। चुनाव आयोग ने बिहार में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक बार फिर से सुझाव की मांग की है, जिसके तहत चुनाव आयोग ने 11 अगस्त तक का समय सभी राजनीतिक दल को दिया है। जारी किए गए पत्र में चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि 17 जुलाई को पत्र के माध्यम से बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियों से कोविड-19 को लेकर चुनाव से संबंधित रैली को लेकर सुझाव मांगे गए थे। वहीं अब एक बार फिर से राजनीतिक दलों को इस पर विचार और सुझाव देने के लिए कुछ और समय दिया जा रहा है। पार्टियों से आग्रह है कि इससे संबंधित अपने सुझाव को 11 अगस्त तक आयोग को सौंप दें। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे शारदा सिन्हा की। बिहार की मिट्टी से कई ऐसी प्रतिभाएं निकली हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत और मेहनत के बदौलत देश के साथ साथ विदेश में भी बिहार का मान बढ़ाया है। इसी कड़ी में एक नया नाम लोक गायिका और बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा का शामिल है।
बिहार में हर शुभ मौके पर उनके द्वारा गाए गीत सुनाई देते हैं। शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज में अब तक सैकड़ों गाने गाए होंगे। शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के सुपौल जिले के राघोपुर में 9 अक्टूबर 1952 में हुआ था। बचपन से ही उन्हें नाचने और गाने का बहुत शौक था। शारदा सिन्हा ने 80 के दशक में मैथिली भोजपुरी भाषा में गीत लोकगीत गाना शुरू कर दिया था। उन्हें गीतों को काफी पसंद किया जाता था। लोकगीत के अलावा उनकी श्रद्धांजलि नामक एल्बम काफी लोकप्रिय हुई थी, जिसमें उन्होंने कवि विद्यापति के गीतों को आवाज दिया था। शारदा सिन्हा का छठ गीत और पारंपरिक विवाह गीत भी खूब पहचान जाता है। वहीं शारदा सिन्हा को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुना सकती है अहम फैसला। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद दर्ज किए गए मामलों की जांच में मुंबई पुलिस के रवैये ने बिहार पुलिस की परेशानी बढ़ा रखी है। 4 सदस्यीय टीम को पहले ही कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिहार पुलिस की नजर आज होने वाली सुनवाई पर टिकी है। सुशांत के करीबी मित्र रिया चक्रवर्ती द्वारा राजीव नगर थाने में दायर किए गए मामले को मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका पर आज सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ही बिहार पुलिस इस मामले में अगला कदम उठाएगी। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भगवान राम से सीख लेने की दी नसीहत। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट करके सभी लोगों को भगवान राम से सीख लेने की नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि आज के समाज को भगवान राम से सीख लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कभी भी किसी से उनके धर्म या जाति या आर्थिक परिस्थितियों के कारण दुर्व्यवहार या अनादर नहीं करना चाहिए। बिना भेदभाव के सबको सम्मान देना, भगवान राम के आदर्शों का सही पालन करना चाहिए और यही राम राज्य है। मंदिरों के पुनः स्थापना से भगवान राम के होने जैसा एहसास होगा, लेकिन भगवान राम के दिखाए रास्ते पर चलकर राम राज्य आ सकता है। पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावितों की परेशानी समझने के लिए राजनीतिक दलों को दी दो टूक नसीहत। जहां प्रमुख पप्पू यादव बाढ़ प्रभावितों के बीच में नजर आ रहे हैं, साथ ही वह बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद भी करते देखे जा रहे हैं। वहीं पप्पू यादव ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने सरकार पर बाढ़ राहत को लेकर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने कहा है कि आज सरकार कितने पिछले 10 दिनों से बाढ़ प्रभावितों को उनके हाल पर छोड़ रखा है। अभी भी खुले में बांध और सड़क के बीच में बाढ़ प्रभावित लोग अंधेरे में रात बिता रहे हैं। सरकार अगर वाकई में इन बाढ़ प्रभावितों के दर्द को महसूस करना चाहती है तो सभी नौकरशाह और मंत्रियों को 3 दिन तक बाढ़ प्रभावितों के साथ रहना अनिवार्य किया जाए, तब जाकर इन लोगों को बाढ़ प्रभावितों की तकलीफ का सही अंदाजा हो पाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के भाई ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सीबीआई जांच की सिफारिश से सुशांत सिंह राजपूत का परिवार संतुष्ट है। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और भाजपा के विधायक नीरज कुमार बबलू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद व्यक्त किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित भाजपा नेताओं को धन्यवाद। मुझे सीबीआई पर भरोसा है और कहीं ना कहीं इस मामले में सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। रिहायशी क्षेत्रों में निकलने वाले जानवरों को देखते हुए वन विभाग ने लोगों को किया सतर्क। बेतिया के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बैंक मंडल ने वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र में सटे नजदीकी क्षेत्रों में सड़कों पर खुलेआम जंगली भालू भटक रहे हैं। भालुओं का झुंड पिछले महीने से कॉलोनी के इर्द गिर्द नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो वन क्षेत्र में भटक रहे भालू अतिथि भवन जाने वाले मार्ग में पुराने थाना भवन के पास देखे गए हैं, जिसको देखकर वन विभाग के सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही किसी भी जीव को क्षति नहीं पहुंचाने का आग्रह भी किया है। शिवसेना नेता संजय राउत के ट्वीट का जदयू के अजय आलोक ने दिया करारा जवाब। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब राजनीति जोर शोर से शुरू हो गई है। इसी क्रम में बीते दिन महाराष्ट्र की सत्ताधारी शिवसेना की तरफ से वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा था कि राजकुमार का एक डायलॉग मुझे ही बहुत याद आ रहा है, जिनके घर शीशे के बने होते वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते, समझने वाले को इशारा काफी है, जय महाराष्ट्र। जिसके जवाब में जदयू नेता अजय आलोक ने कहा कि हम लोग भी कभी शीशे के घर में नहीं रहे हैं, किसान और झोपड़ी का रिश्ता पुराना है, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका तो दिख रहा है, कौन से सिनेमा का संवाद है ये नहीं पता। पीएमसीएच में शुरू हुआ मे आई हेल्प यू डेस्क। पीएमसीएच में बीते दिन से मेडिकल बुलेटिन की सुविधा शुरू कर दी गई है। साथ ही कैंपस में प्रवेश करते ही मे आई हेल्प यू डेस्क भी शुरू कर दिया गया है, जहां पर कोविड 19 का भी हेल्प डेस्क बनाया गया है। यहां पर हर दिन शाम 5 बजे कोविड 19 मरीजों के परिजन को पेशेंट की हेल्थ कंडीशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही मीडिया कर्मियों को भी प्रतिदिन यहीं से संक्रमण के बारे में नवीनतम जानकारी मिलेगी। इसको लेकर पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर विद्यापति चौधरी ने जानकारी दे दी है। उत्तर बिहार को बाढ़ से मिली राहत तो कई जिले अभी भी हैं प्रभावित। उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है, मगर मुजफ्फरपुर और दरभंगा में हालत अभी भी खराब है। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण में बाढ़ से राहत मिलनी शुरू हो गई है। पूर्वी चंपारण में भी नदियों का जलस्तर स्थिर हो गया है और दरभंगा और मुजफ्फरपुर में बाढ़ अपना अलग ही रूप दिखा रहा है। मुजफ्फरपुर के मुरौल में तिरहुत नहर का बांध टूटने के बाद बूढ़ी गंडक के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन तिरहुत नहर से निकलने वाले पानी ने दर्जनों पंचायतों को बर्बाद कर दिया है। वहीं पूर्वी तटबंध के टूटने से नहर का पानी सकरा प्रखंड के कई पंचायतों में घुस चुका है। बागमती लखनदेई में नदियों के स्थिर होने से जिले में औराई कटरा और गयाघाट में पंचायतों में फैले पानी के स्तर में कमी आने लगी है। हालांकि लोगों को अपने घर लौटने में काफी समय लगेगा।
मुंबई में ईडी ने की आर्या चक्रवर्ती के सीए से पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी ने 15 करोड़ को लेकर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से सीए रितेश शाह से पूछताछ की है। अधिकारियों ने कहा है कि उसने रिया और उनके भाई के स्वामित्व वाली कंपनियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार रितेश शाह मंगलवार को 11 बजे ईडी के अधिकारी के समक्ष एजेंसी के कार्यालय में पेश हुए थे। इससे पहले सोमवार को मुंबई में सुशांत के संदीप श्रीधर से वित्तीय लेनदेन के बारे में पूछताछ की गई थी। चुनावी तैयारी में जुटी कांग्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए और चुनाव आयोग के रुख को देखते हुए कांग्रेस ने अब अपनी चुनावी तैयारियों को शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार 6 अगस्त को बिहार के 1000 नेता कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी खुद बात करने वाले हैं। 6 अगस्त को कांग्रेस की वर्चुअल मीटिंग का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें सभी नेता एक साथ जुड़ने वाले हैं और चुनावी तैयारी पर चर्चा करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग कोर्ट की तरफ से करने का जारी किया सुझाव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में राजद पहले ही सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा सत्र में भी इस बात को मजबूती से उठाया गया था। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट करके बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में होने वाली सीबीआई जांच की निगरानी कोर्ट की तरफ से करवाए जाने की मांग है, जिसके लिए उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही राजगीर में बन रहे फन सिटी का नाम भी सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर किए जाने की मांग की है। बोधगया विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस ने कोई विकास नहीं होने का लगाया आरोप। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहीं विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस ने वर्तमान नीतीश सरकार और खासकर बोधगया की वर्तमान विधायक पर क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं होने पर आरोप लगाया है। कांग्रेस कमेटी के सदस्य सहमगध प्रमंड कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्ठू का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बोधगया की अनदेखी की गई है। इस क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में कोई भी विकास का काम नहीं किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछे सवाल। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार से मांग की गई है, जिसके बाद अब तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही सवाल कर दिया है, जिसके तहत तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हमने सुशांत के परिजनों से मुलाकात की थी। सबकी इच्छा थी कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो। हम तेजस्वी यादव और पूरा राजद का कुनबा लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, लेकिन नीतीश कुमार जी की नींद अब टूटी है। पूरा बिहार जब बाढ़ में बह गया और कोविड-19 से परेशान चल रहा है, वहीं लोगों ने सुशांत को भी इसी दौरान ऐसा करने पर मजबूर कर दिया, तो अब जाकर नीतीश कुमार जी की नींद टूटी है। पहले कहां थे मुख्यमंत्री नीतीश जी। भूमि पूजन को लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दिया अपना बयान। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भूमि पूजन को लेकर कहा है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के पुनर्निर्माण के भूमि पूजन के साथ ही भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में भी एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरोध के बावजूद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का समर्थन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में भाग लिया था। उसी तरह नेहरू कांग्रेस और धर्मनिरपेक्षतावादियों के विरोध की चिंता किए बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करने जा रहे हैं। दशकों से किया जा रहा इंतजार आज खत्म होने वाला है। नई शिक्षा नीति के तहत टीईटी में हुए अहम बदलाव। देश में नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की गुणवत्ता को लेकर भी कई प्रावधान जोड़े गए हैं। नए स्कूल शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक पात्रता परीक्षा में बदलाव किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, परीक्षा 2 हिस्सों में आयोजित की जाती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। अब स्कूली शिक्षा को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें फाउंडेशन, प्रिपेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी इसी आधार पर प्रश्न तैयार किए जाएंगे। मीडिया हाउस की एक रिपोर्ट के अनुसार टीईटी पास करने वाले उम्मीदवार उन्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन या इंटरव्यू देकर स्थानीय भाषा में अपना ज्ञान दिखाना होगा। इस नई शिक्षा पद्धति में इंटरव्यू के माध्यम से यह देखा जाएगा कि शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में छात्रों को आसानी से पढ़ा सकते हैं या नहीं। युवराज सिंह ने वर्ल्ड कप 2019 को लेकर किया बड़ा खुलासा। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी और वर्ल्ड कप 2019 को लेकर बड़ा बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 2019 वर्ल्ड कप में ही उन्हें सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात की सूचना महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें पहले ही दे दी थी। धोनी ही थे जिन्होंने मुझे असली चेहरा दिखाया था और कहा था कि 2019 वर्ल्ड कप के लिए बन रही योजनाओं में वो शामिल नहीं है। मुझे धोनी से कोई शिकायत नहीं है। 2011 वर्ल्ड कप में उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया था। उस दौरान वो मुझे हमेशा कहा करते थे कि आप मेरे सबसे अहम खिलाड़ी हो। व्हाट्सएप में जल्द ही आएगा एक नया फीचर। व्हाट्सएप में जल्द ही एक नया फीचर रोल करने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार सभी यूजर की सहूलियत को देखते हुए और सही जानकारी से रूबरू करवाने के लिए व्हाट्सएप ने रिवर्स सर्च का फीचर दिया है, जिससे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि भेजा गया मैसेज कितना सही है कितना नहीं। व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किए गए मैसेज में कितनी सच्चाई है, ये भी व्हाट्सएप पर आसानी से जांच की जा सकती है। व्हाट्सएप ने इस फीचर को लेकर एक स्टेटमेंट भी जारी किया है, जिसका नाम कंपनी ने सर्च द वेब फीचर रखा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से
यूजर का जवाब हमें अच्छा लगा है। उनका नाम है धर्मेंद्र कुमार, धीरेंद्र कुमार राय, उजाला चौधरी, दिलीप कुमार, मुन्ना कुमार, सोहन कुमार जी, मुन्ना गुप्ता, उमाकांत सिंह, चंदन कुमार, पूजा कुमारी, जयप्रकाश गुप्ता, कौशल कुमार, कुमार गौतम, अशोक ठाकुर, पुतुल पासवान, अजीत कुमार सिंह, आदर्श कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पुलिस के इस रवैये के पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल नॉनस्टॉप खबरों को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।